ये अस्पताल में हो रहा हंगामा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। महिला चीख चीख कर यही कहती नजर आ रही है कि अगर हमारे मरीज को कुछ हुआ तो सब पर FIR दर्ज करवा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मामला काफी बड़ा लगता है, आइए बताते हैं क्या है माजरा। मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के जिला चिकित्सालय ट्रोमा सेंटर का, जहां उस समय हंगामा होने लगा जब 3 दिनों से भर्ती एक प्रसूता महिला को डॉक्टर ने वाराणसी के लिए अचानक रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन से प्रसूता को भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के बाद ही क्यों रेफर नहीं किया गया, आज रेफर करने की वजह क्या थी। दरअसल 10 नवंबर को मनीष कुमार जयसवाल निवासी अनपरा ने अपनी बहन माधुरी की डिलीवरी करवाने के लिए जिला चिकित्सालय ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया था, लेकिन जच्चा के पेट में शिशु की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक ने 24 घंटे तक नवजात की मौत को लेकर परिजनों से नहीं बताया और जब महिला की हालत गंभीर हुई तब ऑपरेशन करने के बदले उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। पेशेंट एडमिटेड, महिला पेशेंट एडमिटेड, डिलीवरी में बच्चा कल रात को खत्म हो चुका है और सुबह 10:30 बजे तक ऑपरेशन का कोई भी तैयारी नहीं की गई है। इवन यहाँ पर हमारे रिश्तेदार आकर के रो रहे हैं, हाथ पर गिर रहे हैं, उसके बाद मुझे फोन पे फोन करना पड़ रहा है ऊपर से, तब भी जाकर के कंडीशन यहाँ खराब है। अब लास्ट फोन पे आप बताते कि प्लेटलेट कम हो गया तो रेफर कर रहे हैं, पेशेंट की जान की कोई कीमत ही नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन, अगर अभी यहाँ पर क्या होता है जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हंगामा इतना बढ़ा कि चिकित्सकों व परिजनों के बीच कहासुनी होने लगी। फिर कोतवाली पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। वहीं प्रसूता को परिजन यूपी लेकर रवाना हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा का कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो कल ये विषय हमारे संज्ञान में आया था तो हमने जो जो हमारे जिला अस्पताल के जो CMHO हैं उनसे इस बारे में जानकारी ली गई थी। इसमें जो तथ्य ये हैं कि जो भी पेशेंट था उसके पेशेंट की जो भी जो प्री बर्थ है उसमें उसकी डेथ हो गई थी, उसके उपरांत वो यहाँ अपने जिला अस्पताल में लेकर आए थे और एक जो डॉक्टर्स का ओपिनियन होता है क्योंकि ये एक क्रिटिकल केस था तो डॉक्टर्स का उसमें ओपिनियन था कि इसको एक जो जो भी हमारी गर्भवती आता है उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी उचित कार्रवाई है समुचित कार्रवाई की जाए क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उस समय पर जो जो गर्भवती महिला थी उसकी जो प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी कम था तो उसको देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं क्योंकि डॉक्टर्स ही इसके बारे में बेहतर जानकारी दे सकते हैं तो उसकी स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जो उचित कार्रवाई थी वो करने के बारे में वो वहाँ उसकी वहाँ उन्होंने पूरी तैयारियाँ कर रखी थी। इसमें बेसिकली कुछ बाकी और लोग थे जो कि एक अगेंस्ट द डॉक्टर एडवाइस वो कुछ जो है इसमें जो इलाज करने की बात कह रहे थे तो डॉक्टर्स उसको जो मेडिकल ओपिनियन है जो अदर जो डॉक्टर्स हैं उस विषय के जानकार उनके द्वारा भी उसमें जो संबंधित डॉक्टर्स थे उन्हीं के जो ओपिनियन को सपोर्ट किया गया है क्योंकि डॉक्टर ही एक जो अपने जो भी मरीज होता है उसके बारे में बेहतर जानकार होते हैं, उनकी मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशंस के आधार पर वो निर्णय लेते हैं तो हमें इस बारे में जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी उसके आधार पर जो निर्णय लिया है उसके बारे में हम एक बार जो हमारे यहाँ जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनको हम जो है उसके उससे जाँच करने के लिए उनको एक दल गठन करेंगे तो उसमें जो भी वस्तु स्थिति होगी उसके उपरांत जो समुचित कार्रवाई इसमें हम करेंगे। इस संबंध में जो संबंधित जो भी हैं वो अगर हमें कुछ प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जिसके बेसिस पे हम जो उस प्रमाणों को वो अपने जो समिति हम गठित करेंगे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और जो भी इसमें तथ्य निकल के आएंगे उन तथ्य के आधार पर आवश्यक जो कार्रवाई इसमें हम करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आए दिन इसी तरीके से घटनाएं होती हैं लेकिन कोई भी जिला प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी या बाकी मामलों की तरह हवा हवाई हो जाएगा। सिंगरौली से अनिल सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।